लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे नेता घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल और किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टोंक ने मंगलवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके साथ में निर्दलीय विधायक कांति मीणा, लक्ष्मण मीणा, सजम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, बलजीत यादव, महादेव सिंह खंडेला ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। राहुल गांधी ने सभी को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई, तो वहीं पर बीजेपी ने इस नेताओं के कांग्रेस का दामन थामने पर कहा कि जिन नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है वो पहले से ही भाजपा से निष्कासित चल रहे हैं। कांग्रेस उन नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है जो भाजपा से निष्कासित हैं, और यह नेता ना कांग्रेस में टिकेंगे और ना ही कोई तीसरी पार्टी में। इनकी स्थिति आया राम गया राम जैसी बनी हुई है, जो आने वाले समय में भी किसी भी पार्टी को उसके साथ में नहीं रहेंगे और लगातार पार्टियां बदलते रहेंगे। देखिए, ये ना तो भाजपा में थे, भाजपा ने निकाले हुए हैं, उसके अलावा कांग्रेस में जाते हैं कांग्रेस में भी टिकने वाले नहीं है। कांग्रेस उन लोगों को ले रही है जो भाजपा से निष्कासित है। ये लोग ना कांग्रेस में रहने वाले हैं, ना भाजपा में रहने वाले हैं, ना किसी तीसरे दल में रहने वाले हैं। आयाराम गयाराम की स्थिति इनकी होगी वो आपके सामने। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।